असम के 8 चुनिंदा टैलेंटेड यूथ्स को मिला यंग टैलेंट आर्टिस्ट अवार्ड। पूरे नॉर्थ ईस्ट भर से शामिल हुए थे 73 एप्लीकेंट्स। रांची में होने वाले जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में असम की जूडो टीम 16 दिसंबर से करेगी पार्टिसिपेट। सोमवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर एंड असम यूनिवर्सिटी ने साइन किया MOU। ये मेमोरेंडम दोनों इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए साबित होगा कारगर। 7th असम इंटरनेशनल एग्री हॉटी शो 2022 दिसंबर 17 से दिसंबर 19 तक गुवाहाटी में होगा आयोजित। एग्रीकल्चर मिनिस्टर अतुल बोरा ने गुरुवार को की घोषणा। असम साइंस सोसाइटी के विश्वनाथ ब्रांच ने मंगलवार को दीपूमणि शर्मा मेमोरियल साइंस लेक्चर ऑर्गेनाइज किया। लेक्चर का टॉपिक एस्ट्रोनॉमी मिथ्स एंड रियलिटी रहा। सूरत में होने वाले विजय मर्चेंट क्रिकेट में असम मध्य प्रदेश का मुकाबला ड्रॉ। 162 रन पर असम की टीम ऑल आउट। शिवसागर के 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मॉम अर्थक्वेक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। अनप्रेडिक्टेबल इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए DDM में शिवसागर ने कंडक्ट कराई एक्सरसाइज। असम का एक ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल रोंग असर अमई ने बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए अरण नायक NGO से मिलाया हाथ। अनसंग फ्रीडम फाइटर ऑफ असम को रिकॉग्नाइज करने के लिए डिब्रूगढ़ में डिप्टी कमिश्नर के कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑर्गेनाइज हुआ इंटरेक्टिव प्रोग्राम। असम राइफल्स ने अपना पहला नॉर्थ ईस्ट सेंटिनल्स फुटबॉल कप नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में ऑर्गेनाइज किया। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।